गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैथमेटिक्स समुच्चय क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 का सीरीज 1 प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? हमें ये बताना है कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त युग्म वो होते हैं जिनमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो। यदि हम दो समुच्चय ए और बी को असंयुक्त तभी कहेंगे जब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो, यानी नल सेट हो। यानी कि इंटरसेक्शन नल सेट तभी होगा जब इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो। तो पहला ले रखा है 1, 2, 3, 4 अवयव से बना समुच्चय, माना ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 तथा बी इज इक्वल टू एक्स एस डेट एक्स, एक प्राकृतिक संख्या और जो कि 4 से बड़ी है या 4 के बराबर है और 6 से छोटी है 6 के बराबर है। तो ये होंगे 4, 5, 6 पृष्ठ में लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन 4, 5, 6। तो ये 4 इसमें कॉमन है तो इंटरसेक्शन में कॉमन वाला आ जाता है। तो अब ये फाइव तो नहीं है, नल सेट तो नहीं है, तो फाइव नहीं है तो ये असंयुक्त तो नहीं है। ऐसे ही दूसरे का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसके इंटरसेक्शन में ई आएगा क्योंकि इसमें ई कॉमन है दोनों में। तो ई कॉमन है, ई आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिए समुच्चय नहीं आया तो ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट है एक्स एस डेट एक्स एक संपूर्णांक तथा एक्स एस डेट एक्स एक विषम पूर्णांक। पहला समुच्चय संपूर्णांकों का समुच्चय है जबकि दूसरा समुच्चय विषम पूर्णांकों का समुच्चय है, अतः तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो नल सेट होगा, जिसे हम फाई से शो करते हैं, अतः यह असंयुक्त समुच्चय है। केवल तीसरा इसमें असंयुक्त समुच्चय है। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन भी निकालना सीखे, इंटरसेक्शन में केवल कॉमन वाले ही रखते हैं। प्रश्न संख्या 10 इसी का आधार है। आइए देखिए प्रश्न 9। यदि ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 अवयवों से बना समुच्चय और बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16, 12 अवयवों से बना समुच्चय और सी जो समुच्चय है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इन अवयवों से बना हुआ समुच्चय है। डी 5, 10, 15, 20 से बना हुआ एक समुच्चय है। तो निम्नलिखित को क्या कीजिए, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी निकालने के लिए ए में से बी को घटाना है। अब बी को घटाने से मतलब यहाँ ये है कि इसमें वे सारी अवयव आएंगे जो ए में तो हैं किंतु बी में नहीं है। तो 12 ए में है और बी में भी है, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसके बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तभी तो ये होंगे कि ए में तो है किंतु बी में नहीं है। अब ये 3, 6, 9, 15, 18, 21 बी में, इनमें से कोई भी नहीं है। इस तरह से आप ए माइनस सी निकालोगे, ए माइनस बी निकालोगे, बी माइनस ए निकालोगे, सी माइनस ए निकालोगे। सी माइनस ए निकालना है, सी में से जो ए के कॉमन वाले अवयव है हमने हटा दो निकाला। इस तरह से सबको आप स्वयं सॉल्व करोगे। इससे अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो इंटरसेक्शन पर आधारित है, उसमें केवल तुम्हें कॉमन वाले ही अवयव रखने होते हैं, उसको तुम स्वयं सॉल्व करोगे। नेक्स्ट सत्य सत्य पर आधारित है, ये जितना भी तुम पढ़े हो इस पर ही आधारित है, उसे तुम स्वयं सॉल्व करोगे। बाकी आंसर के लिए तुम पीडीएफ की सहायता ले सकते हो।